दिग्रस शहर में बीते 2 सप्ताह में 3 लोगों पर बंदरों ने हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। हमलावर बंदरों के आतंकी घटनाओं पर पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। रविवार को नए बस स्टैंड के डेपो परिसर में पुसद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने दस्तक देते हुए हमलावर बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि दिग्रस शहर में बीते कुछ दिनों से शहरवासी आतंकित बंदरों के हमलों से खौफ में है। 2 सप्ताह के भीतर घटित विभिन्न घटनाओं में बंदरों ने एक वन मजदूर और एक बस कंडक्टर और साथ ही एक महिला पर हमला कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। पहली वारदात 9 सितंबर की है, जिसमें एक बंदर ने अचानक से अंबिकानगर निवासी हेमलता दिलीप ताड़े नामक एक महिला पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। जख्मी महिला के पति दिलीप ताड़े ने इस बारे में जानकारी दी है। माझी पत्नी सकाळी 6:15 ते 7:30 दरम्यान बाहेर आमंत्रण देण्यासाठी बाहेर निघाली। मागून येऊन वानरांनी तिच्या उपर झेप घेतली, तर तिच्या डाव्या पायाला चावलं, त्याच्यामुळं तिला 8 टाचे पडले। तिला आता बेडवरून उठवता बसता येत नाही आहे। मी तिला घेऊन आरोग्यधाममध्ये गेलो, तिचं ट्रीटमेंट केलं। त्याच्यानंतर 12 तारखेला सरकारी दवाखान्यात एक इंजेक्शन दिलं, 16 तारखेला एक इंजेक्शन दिलं। पण ते आज वडाताडीमध्ये ती पडली तर तिच्या कमरेचा एक मणका दबल्यामुळं सूत्रों के अनुसार दूसरी घटना बीते रविवार 15 सितंबर को सामने आई। गुरुदेव नगर निवासी शिक्षक विशाल रमेश राव ढोले के घर के आंगन में एक बंदर उतर आया। सूत्रों ने बताया कि वह बंदर बीमार था, जिसे पकड़ते समय उस बंदर ने वन मजदूर देवराव धनगर पर हमला कर दिया। मला पीके जाधव साहेबांचा फोन आला आणि त्याच्यामुळे मी रेस्क्यू करण्यासाठी तिथे गेलो। गेल्याच्या नंतर वानेराला शितापीनं पकडायचा प्रयत्न केला, पण तो काही त्यानं माझ्या अंगावर झेप घेतली। झेप घेतल्याच्या नंतर झेप मानीपर्यंत घेतली आणि मी त्याला हातानं दाबलं आणि दाबल्याच्या नंतर त्यानं डायरेक्ट चावाच घेतला माझ्या हाताला। इसी कडी में तीसरी घटना शनिवार 21 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 3:30 बजे सामने आई। सूत्रों ने बताया कि दिग्रस डिपो में कार्यरत कंडक्टर सुनील राठौर अपने काम से लौट रहा था। डिपो के कैश सेक्शन से वापस लौट रहे डिपो के गेट पर आते ही सुनील पर अचानक एक बंदर ने हमला बोल दिया। बंदर के इस हमले में सुनील के पैर में बड़ी गहरी चोट आई और खून बहने लगा। सुनील को डिपो में कार्यरत कर्मचारियों ने तत्काल दिग्रस के ग्रामीण अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के उपचार के लिए यवतमाल रवाना कर दिया गया है। दिग्रस शहर में बंदरों के लगातार हमलों से शहरवासियों में खौफ का मंजर बना हुआ है। दिग्रस वन परिक्षेत्र अधिकारी अजय राउत ने NBCN न्यूज चैनल को फोन पर बताया कि फिलहाल हमलावर बंदरों को पकड़ने के लिए पुसद वन विभाग से रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। हमला कर रहे बंदरों को पकड़कर नागरिकों को राहत दिलाए जाने का प्रयास जारी है। बहरहाल डार्विन की थ्योरी के अनुसार बंदरों को कथित रूप से इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। इस थ्योरी पर दुनिया भर में भले ही मतभेद हो, लेकिन बंदरों के आतंक से हैरान दिग्रस वासियों के दिल में फिलहाल आतंकित बंदरों ने डर और खौफ की जगह ले रखी है। और इस खौफ की गहराई इतनी बढ़ गई है कि वनमानुष कहे जाने वाले आम बंदर भी अब शहरवासियों के आँख में अमानुष बनकर खटक रहे हैं। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।